हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बड़ा ही कमाल का मुद्दा लेके आया हूँ, टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, बेसिक्स को समझने वाले हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक आइडिया को आपके दिमाग में मैं डालने वाला हूँ थ्रू दिस वीडियो। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की मेरी कोशिश रहने वाली इस वीडियो में। आसान लफ्जों में, आसान भाषा में सेमाफोर्स क्या होते हैं वो जरा समझ लिया जाए अभी। तो जरा अभी सेमाफोर को समझा जाए कि ये सेमाफोर जो टर्म है इसे सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, डिजी किस तरह ने प्रपोज किया था, कौन सा वो साल था, ईयर था, नाम था, 1965 में किया था। अब बेसिकली सेमाफोर ये है क्या यार आखिर, व्हाट इज दिस? सेमाफोर इज नथिंग बट अ वेरिएबल, जितना छोटा लग रहा है लेकिन काम बड़ा करता है, बहुत ही असरदार काम करता है। यानी कि जो आपके प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, मैनेजिंग द कंकरेंट प्रोसेसेस है बाय सिंपली यूजिंग ए इंटीजर वैल्यू, दैट्स इट। जो आपके क्रिटिकल सेक्शन के जो प्रॉब्लम्स है उनसे डील करना है सॉल्यूशन, तो ये है भैया उसका सॉल्यूशन, इसकी तरफ देखो जरा सेमाफोर बेसिकली। इसके बारे में और चीजें जानेंगे, समझेंगे और टेक्निकलिटीज को यहां पे अंडरस्टैंड करने कोशिश करेंगे, उसके जो दो टाइप्स है उसको समझेंगे। बाइनरी सेमाफोर एंड काउंटिंग सेमाफोर आर द टू टाइप्स। पहले भैया बाइनरी सेमाफोर को एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। बाइनरी सेमाफोर मतलब के यहां पे कि जो भी आपका सेमाफोर वेरिएबल है उसकी दो ही इंटीजर वैल्यूज यहां पे पॉसिबल है, बिकॉज इट इज बाइनरी। एक तो वो जीरो ले सकता है, वन ले सकता है, ये आपके सेमाफोर वेरिएबल की दो पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज है इन बाइनरी सेमाफोर, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब और भी इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटीग्रल पार्ट है आपके सेमाफोर्स का, वो है एक तो पी ऑपरेशन, दूसरा वी ऑपरेशन। ये दो ऑपरेशन है। पी को आप एज अ वेट देख सकते हो, स्लीप देख सकते हो, डाउन ऑपरेशन देख सकते हो, ओके। और यहां पे वी जो है इसे एज आप सिग्नल देख सकते हो, वेकअप या अप ऑपरेशन के तौर पे देख सकते हो। लेकिन मुद्दा यह है, मेन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये ऑपरेशंस है क्या, इन ऑपरेशंस में होता क्या है। ये एक सिंपल फंक्शंस है, जैसे कि मान लो अगर मैं सबसे पहले लू पी ऑफ, अभी अगर मैं सेमाफोर है ना वो, हाँ, तो इस तरीके से अगर मैं कंसिडर करता हूँ सेमाफोर वेरिएबल एस लिया मैंने, सो एस इज नथिंग बट अ सेमाफोर वेरिएबल। इसके अंदर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, सबसे पहले आपको एक व्हाइल देखने को मिलेगा, वाइल द एस इज इक्वल टू जीरो। और एक और चीज देखने को मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है आपके पी ऑपरेशन का, दैट इज नथिंग बट डिक्रीमेंट बाय वन बेसिकली इन द बाइनरी सेमाफोर्स। आप यहां पे देखोगे इस ऑपरेशन में यहां पे एस इज सिंपली गेटिंग डिक्रीमेंटेड बाय वन, सो डिक्रीमेंट हो रहा है यहां पे आपके पी ऑपरेशन में। तो होता क्या है यहां पे, अभी अगर आप वाइल की कंडीशन देखोगे सेमीकोलन लगा हुआ है, मतलब अगर आपको विटनेस होता है कि एस की वैल्यू जीरो है, तो एस की वैल्यू जब तक जीरो रहेगी तब तक बेसिकली वो स्टक हो जाएगा, दैट फंक्शन विल बी नथिंग बट सिंपली स्टक, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आया कि नहीं, आगे का जो कोड है उस तक नहीं पहुंच पाओगे, आप यहीं पे स्टक रह जाओगे, दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इज। और इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे महसूस होगा जब मैं आपको प्रैक्टिकली जो प्रोसेसेस का एग्जांपल है वो देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये एक हो गया, और अगर मेरा एस की वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या हो सकती है, एस की वैल्यू वन हो सकती है। अब ये भी मुद्दे की बात है कि इनिशियली जो मेरा सेमाफोर वेरिएबल रहता है उसकी इनिशियल वैल्यू कौन सी होती है, वन होती है। इनिशियल वैल्यू ऑफ सेमाफोर वेरिएबल इज वन। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं इस पी ऑपरेशन के अंदर, और मेरा अगर एस की वैल्यू जीरो नहीं है, वन है, तो वो क्या करता है, सिंपली यहां पे एस की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देता है, दैट्स इट, दैट सिंपल, ठीक है। और फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करता है, वो हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे। ये हो गया आपका पी ऑपरेशन। इसे डाउन शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे एक तरीके से इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जा रहा है। तो ये आपका मतलब क्या है, वी में क्या होता होगा, वी में क्या होता है, वी में तकरीबन सारी चीजें सेम है, वी है, सिर्फ वी में आपको ये व्हाइल देखने को नहीं मिलेगा, वैसे व्हाइल की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ यहां पे एस में प्लस देखने को मिलेगा, यानी कि इंक्रीमेंट, यानी कि अप हो रहा है, दैट इज व्हाई आई थिंक सो इसे अप ऑपरेशन भी कहते होंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है आपके वी में, वी ऑपरेशन में क्या हो रहा है, एस की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जा रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ठीक है। अब इसे मैं पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कैसे इन दो प्रोसेस ऑपरेशन को इमेजिन करूं, तो वो आप यहां पे देख सकते हो, ये एक प्रोसेस है। अब यहां पे कुछ रिस्पेक्टिव आपका इनिशियल करंट कोड होगा, कोई कोड होगा, कोड के बाद आपको यहां पे तुरंत पी ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। पी ऑपरेशन में अगर मेरी एस की वैल्यू जीरो होगी तो वो वहीं पे स्टक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ओके। और अगर मेरी पी की वैल्यू अदर देन जीरो यानी कि वन है तो सीधा वो क्या करेगा, एस की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करोगे। क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद आप आओगे वी पे और वहां पे एस की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे, यानी जीरो थी जब क्रिटिकल सेक्शन में आपका पी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था तो एस की वैल्यू जीरो थी, और जैसे ही आप यहां पे आ जाते हो तो V में आपकी वैल्यू वापस से S इज इक्वल टू वन हो जाती है एज इट इज इंक्रीमेंटेड बाय वन, और फिर आप रिमेनिंग सेक्शन जो है आपके कोड का वो एग्जीक्यूट करते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड द होल फ्लो, वर्क फ्लो। लेट्स कंसीडर भाई साहब यहां पे मेरे P1 जो है ये एक प्रोसेस है, और यहां पे जो है एक P2 मेरा प्रोसेस है। ये है आपका क्रिटिकल सेक्शन, करेक्ट, और मेरी इनिशियली जो S की वैल्यू है वो है 1,
बात इतनी सिंपल है, ठीक है। अब होता क्या है कि P1 जो है वो सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन की तरफ अप्रोच करता है फॉर एग्जीक्यूशन, और तब तक P2 जो है वो अपना जो रिमेनिंग नॉन CS कोड है उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन कोड है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो P1 पहले आ जाता है। अब P1 पहले आएगा तो सबसे पहले उसे एनकाउंटर करना पड़ेगा P of S, बराबर। उसे सबसे पहले किसे एनकाउंटर करना पड़ेगा? P of S को एनकाउंटर करना पड़ेगा। P of S में क्या होता है, बेसिकली वो चेक करता है S की वैल्यू क्या है। तो अभी S की वैल्यू 1 है, तो वो क्या करेगा, सिंपली S की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, और वो डिक्रीमेंट करने के बाद 0 हो जाएगी, बराबर। S की वैल्यू 0 हो गई। S की वैल्यू 0 करने के बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। तो अभी क्रिटिकल सेक्शन में कौन है आपका, जो P1 है, P1 जो है अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ चुका है, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि P2 भी अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है, एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो अभी P2 भी आएगा, लेकिन P2 जैसे ही आता है तो उसके पास भी ऑब्वियसली P of S होगा, बराबर। P of S के अंदर जाएगा, P ऑपरेशन के अंदर जाएगा, सबसे पहले वो while की कंडीशन देखेगा कि S की वैल्यू क्या है। अब S की वैल्यू 0 है, यानी कि अभी वो कोड वहां पे स्टक हो गया, इसका मतलब क्या, नाउ दैट मीन्स दैट P2 आपको रुकना है जब तक S की वैल्यू 0 है। S की वैल्यू 0 है, इसका मीनिंग ये है कि कोई प्रोसेस पहले ही क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में है तब तक P2 को बाहर ही रुकना है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना है। और जब ये S की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी, यानी कि जब मेरा ये P1 बाहर निकल जाएगा, एग्जिट कर लेगा, तब मेरी S की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय दिस V ऑपरेशन। और जैसे ये 1 हो जाती है, देन द P2 कैन एंटर इनटू द रिस्पेक्टिव क्रिटिकल सेक्शन। सिंपल सा फंडा है, ये है उसका पूरा वर्किंग फ्लो, ठीक है। तो अभी ये रुका हुआ है, इट इज वेटिंग, वो वेट कर रहा है, वो कोड स्टक हो गया है, वो वेट कर रहा है तब तक जब तक S की वैल्यू आपकी 1 नहीं हो जाती। और जैसे ही S की वैल्यू 1 हो जाएगी, तुरंत आपका S2 अंदर चले जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, P1 अपना टाइम ले रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है। चलो अभी मान लेते हैं P1 का एग्जीक्यूशन पूरा हो गया क्रिटिकल सेक्शन का, उसके बाद वो आता है V ऑपरेशन के ऊपर। V में क्या होता है, V में सिंपली इंक्रीमेंट होता है, यानी क्या कि आपका जो 0 है ये 0 से सिर्फ 1 हो जाता है, बराबर है, इंक्रीमेंट कर दिया। और इंक्रीमेंट करने के बाद आपका जो P1 है वो P1 ने एग्जिट कर लिया, और अपना जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कोड है उसे वो एग्जीक्यूट करने लग गया, ठीक है। अब जैसे P2 उस लूप में स्टक था, और जैसे ही वो वापस उस लूप में जाता है, वो देखता है कि S की वैल्यू अभी 0 नहीं है, तो अभी वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा एंटर कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन के एंटर करने से पहले वो जो P में उसने वाइल लूप, तो चलो 0 नहीं है, लेकिन उसके नीचे एक और चीज है, क्या पी की एस की जो वैल्यू है, सेमाफोर वेरिएबल की जो वैल्यू है, उसे डिक्रीमेंट करना बहुत जरूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो वो क्या करता है, वापस से इसकी जो वैल्यू है उसे डिक्रीमेंट करता है, एंड देन माय P2 एंटर्स। तो यहाँ पे P2 आ जाता है क्रिटिकल सेक्शन में, P2 एंटर करता है, और जैसे ही P2 का एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फाइनली आपका V ऑपरेशन आता है। V में क्या होता है, S की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, तो S की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है, और आपका जो P2 है वो एग्जिट कर जाता है और अपने रिमेनिंग सेक्शन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। ये है पूरा वर्किंग फ्लो आपके बाइनरी सेमाफोर का। दिस इज द जनरल वर्किंग फ्लो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फॉर द रिस्पेक्टिव सेमाफोर। तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो इंश्योर हो गया है कि एट अ टाइम आपको CS के अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही प्रोसेस देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज जैसे ही कोई भी प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ रहा है, आपके S की वैल्यू 0 हो रही है, और जब तक S की वैल्यू 0 है तब तक कितनी भी प्रोसेस आ जाए वो अंदर एंटर नहीं कर सकते क्रिटिकल सेक्शन के, जब तक मेरी S की वैल्यू वापस से 1 नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो तभी होगी जब आपके अंदर के प्रोसेस, जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर का प्रोसेस है, उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है, वो पूरा बाहर आ जाता है, तब जाके उसकी S की वैल्यू 1 होगी, और फिर उसके बाद आपका जो दूसरा प्रोसेस है वो आएगा और वो भी उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे बाइनरी सेमाफोर में आपको एक तरीके से इंश्योरिटी मिलेगी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेमाफोर्स में, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।